नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग केयर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकंड ईयर कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम क्वालिटी कंट्रोल इन मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि क्वालिटी कंट्रोल होती क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। क्वालिटी का मतलब किसी प्रोडक्ट या सर्विस के फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स की टोटलिटी या समग्रता है, जो कि दी गई ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता पर निर्भर है। कस्टमर्स के दृष्टिकोण से एक अच्छी या सर्विस की क्वालिटी के इसके उपयोग के लिए फिटनेस होती है। प्रोडक्ट्स की कीमत के लिए कस्टमर की संतुष्टि है। उद्देश्य की फिटनेस भुगतान की गई कीमत के लिए कामकाज और विश्वसनीयता की पर्याप्तता होती है। सर्विस के दौरान कस्टमर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल शुरू करने के लिए मैनेजमेंट सिस्टम है और क्वालिटी डेवलपमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस और क्वालिटी में सुधार प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न विभागों का समन्वय करना है। ट्विन्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें इकोनॉमिकल प्रोडक्शन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। क्वालिटी अश्योरेंस उन एक्टिविटी से संबंधित है जो प्रूव करते हैं कि प्रोडक्ट और सर्विस आवश्यकता क्वालिटी का स्टैंडर्ड को पूरा करते हैं। आइए इसी से जुड़ा अपन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। गुणवत्ता आश्वासन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा, गुणवत्ता आश्वासन उन गतिविधियों से संबंधित है जो साबित करती है कि उत्पाद और सेवाएं आवश्यक गुणवत्ता मानक को पूरी करती है, यानी कि ऑप्शन ए। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। ऐसे प्रोडक्ट उपलब्ध कराना है जो सेटिस्फैक्टरी और इकोनॉमिकल डिपेंडेबल पर हो। कस्टमर को स्वीकार्य एक समान क्वालिटी के प्रोडक्ट का इकोनॉमिकल उत्पादन सुनिश्चित करना दोषों का पता लगाने के बजाय दोषों को रोकने के उद्देश्य शामिल है। क्वालिटी कंट्रोल की जरूरतों के बारे में बात करें तो उसमें बढ़ती हुई उत्पादकता, रिपेयर की कॉस्ट या लागत में कमी, लॉयल कस्टमर बेस और बेहतर लाभ बढ़ाता है। अब अपन बात करते हैं टूल्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। इसमें टू मेथड होते हैं जो कि निम्नानुसार है। इंस्पेक्शन या प्रोडक्शन और सर्विस में क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक कॉमन मेथड है। प्रोडक्ट इंस्पेक्शन यह इंश्योरेंस करता है कि बेचने के लिए तैयार प्रोडक्ट किसी भी डिफेक्ट से परफेक्ट और फ्री हो। प्रोसेस इंस्पेक्शन की बात करें तो यह इंश्योर करता है कि एक क्वालिटी कंट्रोल का मैन्युफैक्चरिंग और वेस्टेज को बचाए। इनस्पेशियस एनालिसिस की बात करें तो यह एंटरप्रेन्योर को उन पॉइंट को आइडेंटिफाई करने में सक्षम बनाता है जिन पर स्टैंडर्ड सेट चार्ट से विजिलेंट होता है। अब अपन बात करते हैं स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। यह क्वालिटी को निर्धारित या डिटरमाइन करने और कंट्रोल करने के लिए स्टैटिकल टेक्निक्स पर एक एडवांस मेथड है। सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी और अन्य प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल के तीन एलिमेंट्स हैं, जिसमें एनालिसिस सैंपल, यूजेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चार्ट, करेक्टिव मेजर्स शामिल है। स्टैंडर्ड और या विचलन के रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स की बात करें तो यह स्टैंडर्ड डेरिवेशन कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं हो सकती। स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्टैंडर्ड डेरिवेशन बाहरी लोगों द्वारा प्रभावी है। कुल उत्पाद रखरखाव, क्वालिटी प्रबंधन कार्यक्रम, पौधों और उपकरणों के रखरखाव से संबंधित है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स? या कौन सा गुणवत्ता प्रबंधन कार्यक्रम पौधों और उपकरणों के रखरखाव से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, फॉल्ट एनालिसिस, फेलियर एनालिसिस या टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। तो इसका सही आंसर होगा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, यानी कि ऑप्शन डी। अब अपन बात करते हैं टोटल क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट का एक सिस्टम इस प्रकार प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि स्टाफ के प्रत्येक नंबर को कंपनी के संचालन के हर पहलू में उच्च स्तर के कार्य को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट निम्न प्रकारों में विभाजित है। क्वालिटी प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रोसेस, पीपल प्रोसेस। मैनेजमेंट की भूमिकाओं के बारे में बात करें तो यह रिसोर्सेस प्रोवाइड करें, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को परिभाषित करें,
सिस्टम की प्रभावशीलता की निगरानी करें। इंपोर्टेंस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें ब्रांड प्रोडक्ट्स संवादा या छवि का निर्माण कर रहे हैं, यह मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है, यह उत्पाद की प्रोसेस है, यह एंटरप्रेन्योर को उत्पाद की कास्ट ज्ञात करने में भी मदद करता है। क्वालिटी कंट्रोल भी कुशल मानक काम करने की स्थिति को बढ़ाकर लागत को कम करने में मदद करता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। द रोल ऑफ मैनेजमेंट इज टू, इसका ऑप्शन है प्रोवाइड रिसोर्सेस, डिफाइन ई द एम एस, मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, या ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। दोस्तों कैसा लगा हमारे वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आप दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।